अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था वो है फिल्मोरा एक्स। इसका हमने देखा, स्टार्टिंग स्क्रीन देखी, फ्लैश स्क्रीन देखी और इंटरफेस को किया। थोड़ी बहुत हमने पिक्सल्स के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में वो डिस्कस किया, HD 4K 8K इनके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम देखते हैं कि इसमें एक जो है ना वो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। फिर हमारे पास वो स्टार्टिंग स्क्रीन आई, हमने इसे कहा 16:9 पे हमने एक वीडियो बनानी है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो वो हमें अपना सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करके उसका इंटरफेस हमें दे देता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये प्ले एरिया होता है, डिस्प्ले एरिया, इसमें हमारा रॉ मटेरियल होता है और ये एडिटिंग एरिया होता है जिसे टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ मटेरियल चाहिए जिसको हम टाइम लाइन पे रख के, एडिटिंग एरिया पे रख के एक वीडियो क्रिएट कर सके। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कुछ पिक्चर वगैरह, कॉल करके देख लेते हैं, कुछ वीडियो कॉल करके। अच्छा, कोई भी मटेरियल आपने कॉल करना हो, उसे इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट करना हो, तो ये जो इस एरिया में आपके पास हैंड सिंबल है, इस एरिया में आके क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजिंग विंडो आपकी खुलेगी। जिधर भी आपने अपना मटेरियल रखा है उधर से आप मटेरियल सेलेक्ट करके तो कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जब प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको सेव करना। हम एक फोल्डर बना लेते हैं डी के अंदर, फोल्डर का नाम रख देते हैं वीडियो एडिटिंग अखुबत। इसमें हम अपना जो है ना वो प्रोजेक्ट सेव करते हैं। कोई भी डाटा वगैरह होगा तो इसी में हम फोल्डर बना लेते हैं, उसमें रख लेते हैं। रॉ डाटा, तो ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, इसको हम करते हैं सेव। तो वो कहता है कि आप इसमें वीडियो स्टार्ट करें या मिनिमम जो है वो आप इसमें डाटा कॉल करें। तो हम अपने ये पिक्स है कुछ, ये हम इधर से कॉपी करते हैं और अपने फोल्डर में रॉ डाटा के अंदर पेस्ट करते हैं। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा पैनल है, विंडो है, इसके अंदर ये ऑप्शन भी होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर आपके पास जो है ना वो तीन चार ऑप्शन होते हैं।
इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, इंपोर्ट मीडिया फोल्डर। अगर आपके कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है तो आप ये पहले दो ऑप्शन यूज करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम अ कैमरा और फोन। अगर आपने अपना सेल फोन इसके साथ डाटा केबल के थ्रू लगाया होता है तो उसमें से अगर आप कोई पिक्चर कोई वीडियो लेके आ सकते हैं, लेके आना चाहते हैं तो आप इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट विद इंस्टेंस कटर, इसके अंदर एक छोटा सा टूल है, उसमें आप वीडियो को एडिट करके तो इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ये इंपोर्ट मीडिया फाइल्स या फोल्डर, फोल्डर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस फोल्डर में जितना भी मटेरियल है वो काल हो जाता है। अगर आप एक एक फाइल, एक एक वीडियो, एक एक पिक्चर या एक एक ऑडियो अलहदा अलहदा से डिफरेंट जगहों से लेके आना चाहते हैं तो इंपोर्ट मीडिया फाइल, तो इंपोर्ट मीडिया फाइल पे हम क्लिक करते हैं या आप इधर इस पैनल पे वैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी, आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो, ब्राउजिंग विंडो, इसमें से ब्राउज करके कहीं भी इधर कर लें या इधर से इसको करें तो वही विंडो खुलेगी आपकी माई कंप्यूटर वाला। तो इसमें हमने इसे कहा कि डी में हमने अपना एक फोल्डर बनाया था, वी ई अखुवत रॉ डाटा के अंदर हमारे पास कुछ कार्स की पिक्चर्स हैं, कुछ एनिमेशंस हैं, कुछ वैसे पिक्चर्स पड़ी हैं, कुछ स्नेक्स हैं। कार में से हम देखते हैं ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आप अपना माइक बंद कर। अच्छा तो इसमें से जो भी आपको पिक्चर आपने अपनी वीडियो में यूज करनी है या अपनी एनिमेशन में यूज करनी है तो वो आप इधर से सेलेक्ट करके तो ओपन करेंगे तो इधर आ जाएंगे। ये जो ऊपर आइकन है ना, ये जो सीन सा बना छोटा सा आइकन वाइट बाउंड्री के साथ, इससे पता चलता है कि ये जो पड़ी है ये पिक्चर है, कोई वीडियो नहीं है। अगर इधर आइकन वीडियो का होता तो फिर हमें पता चल जाता कि ये वीडियो है, ठीक। अगर आइकन ऑडियो का होता तो पता चल जाता ये ऑडियो फाइल। और अगर आपने कोई पिक्चर कॉल करनी है फिर इधर डबल क्लिक करें तो जिस फोल्डर से आप डाटा कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जब दोबारा उसको इंपोर्ट का कहेंगे तो उसी फोल्डर में वापस आएगा। तो ये देखें, हम कहते हैं एक ये कीबोर्ड से जो है ना वो कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। एक ये ले तीन चार सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट करनी आती है। ये देखें कि मुझे एक दो तीन चार चाहिए, मैं कहता हूं एक एक करके कॉल या इंपोर्ट नहीं करता, चारों इकट्ठी किस तरह से करूं, एक को सिलेक्ट कर फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, उसको पकड़ के रखें, फिर जिस पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये चार पांच हमने सिलेक्ट करके उसे कहीं ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास जो कुछ
मटेरियल आ गया, जो ही आपने मटेरियल ऐड किया तो आपका सेव का ऑप्शन ऑन हो गया। तो हम कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये सेव कर दे। वो कहता किधर करूं, हमने कहा हमने अपना एक फोल्डर बनाया वीडियो वीई अखुवत के नाम से, तो इसको इधर एक फोल्डर बना दे माय प्रोजेक्ट और इसके अंदर इसको सेव कर दे और इसका नाम रख दे माय वी फन। तो ये जो है ना ये डब्ल्यू एफ पी टाइप की फाइल बनेगी, वंडर शेयर फिल्मोरा प्रोजेक्ट, ये वीडियो नहीं बनेगी। वीडियो जब हम इसको फाइनल कर लेते हैं, एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसे बताना होता है कि इसकी वीडियो बना दे। अभी एज ए प्रोजेक्ट डब्ल्यू एफ पी फाइल सेव, तो ये सेव हो गई। अब ये देखें हम अपने फोल्डर में जाते हैं चेक करने के, उधर पड़ी हुई है। तो ये रॉ मटेरियल रॉ डाटा हमारा पड़ा हुआ है और इसमें हमने एक प्रोजेक्ट सेव किया माई वी वन के नाम से, तो उसने ये उसकी उसने टेम्परेरी फाइल बनाई। तो ये आपका प्रोजेक्ट है। तो जो आपने ये हम अपना सॉफ्टवेयर मैक्सिमाइज करते हैं, तो जो आप प्रोजेक्ट का नाम रखेंगी वो इधर आपको नजर आएगा माई वी वन। तो ये हमने कुछ जो है ना रॉ मटेरियल इधर इंपोर्ट कर लिया। वो कहता है कि ये देखें ऊपर हमने देखा था कि टूल्स टैब्स हैं, डिफरेंट टूल्स का मेन्यू है। सबसे पहले मीडिया, मीडिया में हमने ये उसके अंदर एक फोल्डर, तो वो कहता है आपने छह जो है ना वो ऑब्जेक्ट यानी कि पिक्चर कोई भी हो सकती है, पिक्चर हो, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन हो, उस एक पिक्चर को, ऑडियो को या वीडियो को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं आपने छह ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंपोर्ट किए। हमारा ये फोल्डर है, ठीक, ये शेयर फोल्डर है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करें। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी एक वीडियो बना रहे हैं, ये जो पिक्चर्स हैं उसके लिए इनको जो है ना वो कॉल करना पड़ता है इसके ऊपर, टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन को अब देखते हैं, ये जो टाइमलाइन है ये वीडियो एडिटिंग एरिया है। टाइमलाइन में ये दो आइकन, इनको बाद में देखते हैं। ये टाइम है कि जहां तक आप वीडियो बनाएंगे वो बताएगा कि ये इतने घंटे की है, इतने मिनट की है, इतने सेकंड की है, ठीक है। टाइमलाइन के ऊपर ये जो है ये टाइमलाइन बार है, ठीक है, इसके ऊपर ये कटर का निशान है, सीजर है, इसको फिर देखेंगे कि किस लिए यूज करते हैं। ये वाला निशान ये भी है, इधर से भी कटर का निशान वही काम करता है, इधर ये भी आइकन पड़ा है, ये भी आइकन दिया हुआ, चाहे इधर से यूज कर ले चाहे इधर से। ये डस्टबिन उसका आइकन है, अगर कोई आपने बीच में से सेगमेंट डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करके तो ये वाला आइकन यूज कर सकते। उसके बाद ये दो आइकन पड़े हैं, एक अंडू है, एक रीडू है। अंडू और रीडू का पता है ना क्या होता है?
नहीं? यस सर। ठीक है, अंडू की कौन सी होती है? कंट्रोल जी। और रीडू की? कंट्रोल वाई। अंडू की होती है कंट्रोल जी। ये यूनिवर्सल की है, हर सॉफ्टवेयर में यही चलती है। ये देखें कि आप अगर विंडो में भी हैं, इधर हैं, तो मैं ये कराची 22 के नाम का एक शॉर्टकट पड़ा हो, आइकन पड़ा हुआ है, एक फाइल है वर्ल्ड की, डॉक्यूमेंट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं कंट्रोल जी करूंगा तो ये अंडू हो जाएगी। ठीक, तो ये यूनिवर्सल की है, किसी भी सॉफ्टवेयर में चंद जो कीज है ना वो यूनिवर्सल है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल जी, कंट्रोल वी, तो 8-10 कीज जो है ना ये हर सॉफ्टवेयर में वही चलती हैं। कुछ कीज अब सॉफ्टवेयर की अपनी होती है, बस उसी में चलती। तो ये हम बात कर रहे थे, ये टाइमलाइन है। इस इधर जो है ना ये हम वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो उस इसको एडिटिंग एरिया भी कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नेम इसका टाइमलाइन। टाइमलाइन पे ये बार जो जो वीडियो प्ले होती जाती है ये बार आगे मूव करती जाती है, और इधर भी टाइम बताता है कि कितनी वीडियो आपकी लेंथी है। उसके बाद टाइमलाइन पे ये देखें कि एक ये डार्क बार है, एक ये लाइट है। ये जो डार्क है ना, इसके ऊपर इधर पीछे है तीन आइकन है, ये प्ले का आइकन है, इसका मतलब है ये वीडियो के लिए है। इधर आप वीडियो रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, एनिमेशन रख सकते हैं। एनिमेशन बस पिक्चर होती, पिक्चर है लेकिन वो एनिमेट करती है, हिलती रहती है, एक दो फ्रेम उनमें चलते रहते हैं। तो ये वीडियो के लिए और ये ऑडियो, ये ऑडियो का आपके पास आइकन है, इधर ऑडियो ऑडियो रख सकते हैं, इधर वीडियो रख सकते हैं। उसके बाद ये लॉक है, अगर आप कोई भी आपने वीडियो पिक्चर एनिमेशन इधर रखी है तो आप उसको एडिट करके, तो अगर आप उसे लॉक कर देते हैं तो वो क्या होगा, वो स्टैटिक हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकेंगे, ना वो डिलीट हो सकेगी ना वो एडिट हो सकती है। अगर आपने उसको दोबारा कुछ करना है तो फिर लॉक ओपन करना पड़ेगा। ये आई सिंबल है, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये वाली जो वीडियो है, पिक्चर है, ये वाली बार जो है वो आपके प्रोजेक्ट में से ऑफ हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगी। ये जो है लॉक है, इसका मतलब है कि सिर्फ इसको लॉक कर दे लेकिन नजर भी आएगी और आपके आपकी वीडियो का हिस्सा भी होगी। तो ये हमारे पास टाइमलाइन एरिया है, जिसमें हमारे पास एक वीडियो ट्रैक होता है, एक ऑडियो ट्रैक होता है। वीडियो ट्रैक पे आप वीडियो पिक्चर एनिमेशन डाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन जी। ये जो आपने वीडियो वाले को बताया, यहाँ के जो लॉक है वो हम वीडियो के स्पेसिफिक पोर्शन को स्किप करके भी लॉक कर सकते हैं? नहीं, ये पूरा एरिया जो पूरी बार है, पूरी की पूरी जो है वो, हाँ, उसका तरीका ये होता है कि ये वीडियो ट्रैक जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक हमें वीडियो ट्रैक मिलता है टाइमलाइन पे, एक हमें ऑडियो मिलता है। आप ऐड भी कर सकते हैं, मसलन आप इधर राइट क्लिक करके उसे कहते हैं ऐड वीडियो ट्रैक
एड ऑडियो ट्रैक, तो आपने एक ट्रैक पे एक वीडियो रखी हुई है, दूसरे पे दूसरी, तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही प्ले में चला के देखते हैं कैसी लगती हैं, सही इनको हमने जो है वो कंबाइन कर लिया, फिर आप कहते हैं कि नहीं एक को जो है ना वो ऑफ करके देखते हैं कि ये कैसी वीडियो लगती है, तो वो आप ये आई का आइकन है, आई सिंबल है, इधर से ट्रैक शो कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये लॉक का मतलब होता है कि जो मैंने इसकी एडिटिंग कर दी है ना, इस पे पूरी बार पे जो पड़ी हुई, उसमें मेरे से कोई क्लिक हो के कोई डिलीट ना हो जाए कोई, क्योंकि ये अब मैंने फाइनल कर दी है, तो इसलिए आप उसको लॉक कर सकते हैं, जब दोबारा एडिट करना हो तो कर सकते हैं, और ये पूरी बार ही लॉक होती है, ठीक है, पूरी बार ही डिसेबल होती है। क्लियर? हाँ जी, अगर अगर आपने उसमें से अपनी उस वीडियो में से ये वाला सेगमेंट निकाल के देखना है, आप इसको डिलीट ना करें, इसको स्टॉप कर दें, स्टॉप नहीं होता, ऑफ हो जाता, यानी कि आपकी वीडियो में नजर ही नहीं आती, वो करके हम देखेंगे ना, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा। अभी तो हम सिर्फ इस आइकन पे डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको एज ए प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो वो फिर आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये मैं इसमें ऐड करूं, ये देखें इस पे प्लस का निशान है, इसको मैंने कहा इसको इसमें ऐड कर दे टाइमलाइन पे, तो ये टाइमलाइन पे आ गई और इधर नजर आनी शुरू होगी, क्योंकि ये बार इसके ऊपर है इसलिए नजर, अगर मैं बार इससे हटा देता हूं तो इधर नजर नहीं आएगी, ठीक, कॉमन सेंस कि जब बार इस पे होगी तो ये वाली चीज डिस्प्ले एरिया में नजर आए। क्लियर है? तो इसको जब आप कोई भी पिक्चर डालें या वीडियो डालें, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो ना जितना हमारा साइज है उसमें बिल्कुल फिट हो जाए, तो आप इस पे राइट क्लिक करके तो इसको कर सकते हैं क्रॉप टू फिट, तो वो जितना हमारा प्रोजेक्ट हमने न्यू प्रोजेक्ट एज ए न्यू प्रोजेक्ट जिस साइज का सेलेक्ट किया होगा उसी साइज की हमारी ये स्ट्रेच करके उतना कर देगा, ठीक। लेकिन आप इस पे अगर क्लिक करते हैं ना, तो ये इस पे देखें ये ग्रिड्स आ गए, ये निशान, ये सिलेक्ट हो गई, इसको अगर मैं पकड़ के मैन्युअली भी ऐसे मूव कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, ठीक। कंट्रोल जी, तो ये हमने एक पिक्चर रखी, ये देखें कि ये जब मैं प्लस करता हूं तो इसके पास तो पूरी बार है, ये पिक्चर आती किधर है, अब मुझे ये नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट करके ये डिलीट कर दें डस्टबिन के आइकन से या कंट्रोल जी कर, या इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दें तो फिर भी डिलीट हो जाए, ठीक। अब ये देखें मैंने इस पे ऐड किया था तो वो स्टार्ट में आई थी, मैं कहता हूं नहीं इधर आए, तो ये बार उधर रख ले, ये देखें जिधर क्लिक करेंगे बार उधर आ जाए, या इसको इधर से पकड़ के आप आगे पीछे, मैं कहता हूं ये इधर आए, आप इसको प्लस करेंगे तो इधर है, जिधर ये बार होगी उधर आपकी आपका ऑब्जेक्ट ऐड होगा टाइमलाइन के अंदर, शुरू से करना इधर रख के कर देंगे शुरू से में आ जाए, इधर रख इधर करनी है रख के ऐड करें इधर आ जाए, जिसके ऊपर बार होगा जिस एरिए पे वो एरिया इसमें नजर आए, तो
एक और तरीका भी है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को माउस से ऐसे पकड़ के ड्रैग करके जिधर मर्जी रखें, ये इधर रख लें, इधर रख लें, तो ये आपकी मर्जी है। आप प्लस के निशान से ऐड भी कर सकते हैं, आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं। जब आप ऐड करते हैं तो ये जाता किधर है, जिधर आपकी ये टाइमलाइन की बाहर होती है उधर, ये उधर से शुरू होता है आगे तक ये ऐड हो जाता है। इधर तक क्लियर हो? डिलीट करनी है, डिलीट 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 डिलीट, या ये आइकन से डिलीट, ये आ गई। अब जो है ना, मैंने ये बार इधर है, मैं कहता हूं इधर दूसरी ऐड कर दे, इधर तीसरी ऐड कर दे, या इसको पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर दे। अगर आपने ये इधर रख दी तो आप कहते हैं ये साथ लगानी है, या तो इसको पकड़ के साथ लगा दो, या ये जो एम्प्टी एरिया है ना इस पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाए, तो डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो इधर आ जाए। ये आपने इधर रखी, इधर क्लिक किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, तो ये हमने कुछ इमेज रखे। और अभी जो बाहर है वो ये ऑडी वाली गाड़ी के ऊपर है, इसलिए वो नजर आ रही है। अब ये देखें, मैं बाहर को जिस जिस पे बाहर जाती जाएगी वो नजर आती जाएगी। तो जब मैं बार कहीं भी हो, जब मैं स्टॉप का बटन प्रेस करूंगा, ये देखो ये हमारे रोजमर्रा के यूज के आइकन होते हैं, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, यानी कि फॉरवर्ड बैक बैकवर्ड, ये प्ले है, ये स्टॉप है। जो ही आप कंट्रोल स्लैश इसकी की होती है, जो ही आप स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो बार है ये स्टार्ट पे चली जाएगी। अब ये हमने वीडियो ट्रैक के ऊपर ये वाले इमेज हमने डाले, इसको मैं कहता हूं क्रॉप टू फिट, इसको मैं कहता हूं क्रॉप टू फिट, इसको मैं कहता हूं क्रॉप टू फिट, ये है ही उतने, इसको मैं कहता हूं और इसको मैं कहता हूं। तो ये इसको मैं स्टॉप करता हूं, तो इसको प्ले करता हूं, ये देखें कि इधर भी टाइम नजर आ रहा है। अब वो कहता है आप 00 पे, मैं इसको बार को पकड़ के इधर ले जाता हूं, तो इधर से देखता हूं कि पहली पिक्चर जो है ना वो 5 सेकंड नजर आएगी, ये 5 सेकंड की, ये जो बाय डिफॉल्ट खुद से लेंथ रखता है किसी पिक्चर की, तो वो 5-5 सेकंड रखता है। ये दूसरी 10 सेकंड हो गए, तीसरी 15 सेकंड हो गए, चौथी। इसको हम कम भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी पिक्चर है ये 1 सेकंड सिर्फ नजर आ, ये हमारी पिक्चर जो है 10 सेकंड नजर आ। अभी हम इसी तरह इसको स्टॉप करते हैं ताकि बार स्टार्ट में चले जाए, और फिर हम प्ले करते हैं। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी रुक रुक के चले तो ये बटन होता है रेंडर का, तो रेंडर का बटन अभी ऑफ है, इसका मतलब है कि स्मूथनेस ठीक है, इसलिए रेंडर का बटन ऑफ।
फिर इसको दोबारा चलाते हैं, आप ये वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपकी बड़ी हो जाएगी, स्पेस बार प्रेस करेंगे तो प्ले हो जाएगी। एस्केप प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगी। वैसे ऑल्ट एंटर की होती है ये लिखी हुई, अगर आप उसे कहते हैं ऑल्ट एंटर तो ये बड़ी हो जाएगी। ऑल्ट एंटर करेंगे तो नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाएगी। अब ये देखें कि जब आप फॉर एग्जांपल ये वीडियो हमने फाइनल कर दी, अब हमने इसको सेव करना है एज ए वीडियो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का। इधर अगर मटेरियल हमने कॉल करना हो तो ऑप्शन होता है इंपोर्ट का। अगर हमने इसे सेव करना हो एज ए वीडियो, एज ए जिफ एनिमेशन, और भी ऑप्शन होते हैं उसमें, तो वीडियो एज ए अभी आप याद रखें कि मैंने वीडियो सेव कर। अच्छा ये बताएं कि वीडियो फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, ये वाली फाइल आपको मिल गई थी आप लोगों को? प्यारे बच्चों सो गए हो? नहीं मिली सर की फाइल। अच्छा चले ठीक है, मैं आज भेज देंगे। अच्छा वीडियो फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, किसी को पता? ये देखो अभी तो आइकन से ही पता चल जाता है ना ये वीडियो है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, डॉस होता था, ये वाला शायद आपने देखा सर, MP4 ये MP4 बिल्कुल सही है, MP4 और MOV होती है सर, MOV बिल्कुल ठीक है, WMV में होती है, WMV भी होती है बिल्कुल सही है, MPV भी होती है सर, AVI भी होती है, AVI भी होती है, MP4, MP3 जो होती है वो ऑडियो होती है, तो AVI वगैरह वगैरह ठीक है, एटसेट्रा AVC HD सर। हाँ तो पिक्चर फाइल्स कौन कौन सी है, JPG बिल्कुल सही, या PDF वो डॉक्यूमेंट होते हैं, PNG बिल्कुल ठीक, इफ जिफ
जिसमें स्टिल भी होती है एनिमेशन भी होती है, जो एनिमेशन पिक्चर होती है वो होती जिफ है, जेपीजी में एनिमेशन नहीं बन सकती, पीएनजी में नहीं बन सकती, सिर्फ जिफ एनिमेशन पिक्चर होती है, बीएमपी बिटमैप पिक्चर। तो ये हमें टाइप बताती है, एक्सटेंशन जो है ETC जो है ना, ये पिक्चर टाइप नहीं है, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर ETC तो पिक्चर टाइप नहीं थी हमने देखी। हाँ क्या कह रहा है? सर PSD भी होती। कौन सी PSD? सर तो जो ज्यादातर यूज होती है जेपीजी पीएनजी जिफ, ठीक है, ये तीन सबसे ज्यादा फॉर्मेट यूज होते हैं। इसी तरह से जो है ना वो हमने देखा कि ऑल्ट एंटर जो होता है वो हमारे पास की होती है, मैक्सिमाइज प्ले विंडो, ये टॉगल स्विच है, प्लेइंग एरिया नहीं होता हमारे पास, ये इसका ये आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, स्केप प्रेस करेंगे, वैसे इसकी की होती है आल्ट एंटर, फिर आल्ट एंटर करेंगे तो वापस हो जाएगा। तो जो एक दफा करने थे प्ले विंडो, एक दफा करने से ऑन हो जाती है कोई चीज, मैक्सिमाइज ऑन हो जाता है, फिर दोबारा करेंगे फिर मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसे स्विच को, ऐसी की को कहते हैं टॉगल की। ये देखो, ये मैं एमएस वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इसको मैं सिलेक्ट करके तो बोल्ड करूंगा, फिर इसी पे क्लिक करूंगा अनबोल्ड हो जाएगा। तो ये भी टॉगल स्विच है, टॉगल की, ऐसा बटन, ऐसा स्विच जो दो डायरेक्शन में मूव करे और दो काम करे, सिंपल स्विच होता है। ऐसा स्विच जो एक ही डायरेक्शन में मूव करे लेकिन दो काम करे, वो टॉगल स्विच होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी। अच्छा, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या फर्क होता है? है बेटा, कॉपी पेस्ट और जी कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए सर। अच्छा अच्छा, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या फर्क होता है? कॉपी में जो होती है वो फाइल, कॉपी करते हैं, कट से वो फाइल मात्र मूव हो जाती। बिल्कुल सही, कट से सेक्रेटरी मूव होता है, जैसे कॉपी से डुप्लीकेट होता है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने
जो बताया वो बिल्कुल ठीक है कि कट पेस्ट मूव होता है कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट बनाने के लिए। शाबाश। आप दोनों का जवाब हुआ दुरुस्त। पुरानी की है पर किसी में चल जाती है किसी में नहीं। अच्छा ये सेव और सेव एज में क्या फर्क? बच्चों सर सेव में उसकी जो हमने लोकेशन पहले से सेट की होती वहां पे सेव होता है, सेव एज में जहां भी हम सेव करना चाहे अपनी मर्जी की लोकेशन। हाँ इसको थोड़ा सा बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि सेव जो होता है वो एक दफा सेव होता है, दोबारा सेव करेंगे तो जो चेंजेस है उसी में चली जाएंगी। सेव एज होता है डुप्लीकेट बनाने के लिए, जितनी मर्जी डुप्लीकेट बना ले। ठीक है चाय पीनी है? बस मैं दूसरा कप मंगवाता हूँ फिर वो उसमें डाल के ना आदि तो फिर मैं आपको इधर से चैट में से भेज दूँ। तो इधर मेरे पास चक्कर लगा फिर तुझे मैं बड़ी अच्छी चाय बना पिलाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। ठीक है ठीक है। दावत ये जोहोटोन आईसीटी ट्रेनिंग एक्सपो सेंटर के पास। वेलकम वेलकम। ये 10-12 कप भी टेस्ट को ना बुला लेना। अच्छा ये अकेला 10-12 कप भी। अच्छा तो अब हमने फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो हमने कंप्लीट कर ली तो हम उसको कहते हैं अब हम इसको क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट MIV1.WFP हमने बनानी है MP4। ठीक है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है एक्सपोर्ट का। ये नजर आ रहा है ना बटन, इस पे क्लिक करो तो ये आपके पास विंडो आ जाती है। इसमें वो कहता है कि आपने जो वीडियो का नाम रखना है वो रख ले। मतलब हम कहते हैं कि इस वीडियो का नाम रख दे NNAKH बखुवत 1। ठीक है वो कहता है ठीक है आपने नाम रख लिया है अब मुझे ये इधर देखे लेफ्ट पैनल की तरफ ये जो आपने वीडियो का नाम रखा है इस नाम की वीडियो MP4 बनाओ। आप लोगों ने ये सारे लिखवाए थे ना मुझे। वो कहता है किस फॉर्मेट, ये जो 3GB है ना ये भी वीडियो है लेकिन इसका साइज 1:1 छोटा सा होता। ये फॉर्मेट उन्होंने बनाया था सिर्फ मोबाइल के लिए क्योंकि इस ये बनती इसमें छोटी सी इतनी सी स्क्रीन की जो है ना, जो पुराने मोबाइल नहीं होते थे नीचे कीज भी होती थी ऊपर स्क्रीन भी होती थी, उतनी स्क्रीन की वीडियो बनाने के लिए उन्होंने ये फॉर्मेट बनाया था 3GB। लेकिन बाद में जो है ना वो मोबाइल बहुत अच्छी कैपेसिटी के बहुत अच्छे ग्राफिकल रिच ग्राफिकल मोबाइल आ गए, मेमोरीज उसमें ज्यादा आ गई तो उसमें MP4 AVI वैसे डायरेक्ट ही चल जाती थी, उसे जरूरत नहीं होती थी कि 3GB चलाएं 3GB वीडियो बनाएं साइज तब ही मोबाइल में चलेगी अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
तो सबसे नीचे देखें ऑडियो है MP3। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो आपकी वीडियो में जो के साथ ऑडियो चल रही है ना, सिर्फ वो सेव होगी, वो रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो नहीं होगी। तो अगर आप वीडियो फॉर्मेट कोई सिलेक्ट करते हैं तो उसमें वीडियो ऑडियो दोनों सेव हो जाएंगे। तो हम उसे कहते हैं कि MP4 चाहिए, ये सिलेक्ट कर ले। नाम हमने कहा इस नाम से सेव कर। उसके बाद कहता है सेव करना किधर है, हम इधर क्लिक करते हैं और उसे कहते हैं कि डी में हमने एक फोल्डर बनाया VE अखुवत के नाम से, उसमें एक फोल्डर बना दे माई वर्क्स के नाम से और सेलेक्ट फोल्डर और माई वर्क्स इसके अंदर तूने सेव कर। बाकी डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है तो वो भी रहने दे, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, साथ साथ दोबारा भी देख लें। वो कहता है कि आपके वीडियो का साइज जो है ना 24 MB होगा, जो स्टैंडर्ड फ्रेम रेट होता है ना, एक सेकंड में कितने फ्रेम गुजरे तो वो 25 होता है। रेजोल्यूशन कितनी हो, ये 1080 आप वीडियो डाउनलोड करते हैं ये 1080 बनेगी, वो कहता है। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, जो 1080 होती है ना वो 1920x1080, तो ये लास्ट वाला फिगर बोला जाता है। जो 720 होगी 720 इधर होगा, 720p 1080p 30 ये 4K, तो उन सारी पिक्चर का जितनी रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे वीडियो के, वीडियो का साइज उतना बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग में चले जाएं। आप दुनिया का कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, एनकोडर जो है वो आपने यही सिलेक्ट करना है, H26, MPEG 4 नहीं, H26। अब बाज एडिटर ऐसे होते हैं उसमें एनकोडर की, एनकोडर होता क्या है बाद में देखते हैं, एनकोडर की काफी लंबी लिस्ट होती है, तो उसमें से भी आपने यही सिलेक्ट करना। वैसे ज्यादातर जो वीडियो एडिटर है सॉफ्टवेयर हमारे पास, उसमें ये बाय डिफॉल्ट ही सेट होता है H26। एनकोडर होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ये हमने फाइल सेव करके रखी हुई है इधर, ये विंडो मीड विंडो, ये फिल्मोरा वंडरशेयर फिल्मोरा फाइल है, इसको कन्वर्ट करेगा वीडियो के अंदर, तो उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो इसके अंदर ही उन्होंने डिजाइन किया होता है, ट्रांसलेटर कह ले, वो इसको डी कोड करके तो वीडियो में पिक्सल बाई पिक्सल सेट करके लेके जाता है। क्लियर होगी बात। एक्सपोर्ट, नाम क्या रखना है, AKH1 रख लेते। सेव किधर करे, डी के अंदर, VE अखुवत के अंदर एक फोल्डर है माई, हाँ ठीक है इधर ही। रेजोल्यूशन फ्रेम रेट 25 ही ठीक है। साइज कहता है इस रेजोल्यूशन पे, इस फ्रेम रेट पे इसका साइज होगा 24 MB, ड्यूरेशन इसकी 25 सेकेंड है। तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग, सेटिंग में एनकोडर के जो हमारी हमारे प्रोजेक्ट को डीकोड करके
इस फॉर्मेट में लेके जाए, उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखे इसमें से देख, हम कहते हैं 720 रख ले, फ्रेम रेट 25 स्टैंडर्ड, 25 या 30 स्टैंडर्ड होता है। बिट रेट, बिट का पता ना क्या था, मेमोरी यूनिट है सबसे छोटा, बिट बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, जीटाबाइट, हेक्साबाइट। वो कहता है बिट रेट इसका कितना हो, 8000 किलोबाइट पर सेकंड रख दो, ये जितना बढ़ाते जाएंगे साइज भी उतना बढ़ता जाएगा और रेजोल्यूशन भी अच्छी होगी। लेकिन 720 पे 2000 तक सही होता है, काफी क्लियर वीडियो बन जाता है। तो ये ऑडियो से रिलेटेड है, ऑडियो का डिकोडर, ये डिफॉल्ट सेटिंग इधर ही रहने दे। गीगाहर्ट्ज़ आपने कोई भी यूज कर रहे हो तो वो 44100 ही रखना, 44100 हर्ट्ज़ पे। और बिट रेट इसका स्टैंडर्ड 192 kbps होता है, ये यही रहने दे। वो कहता है कि इसको बेस्ट, बेटर, गुड, हम कहते हैं पूरी 720 को बेस्ट लेवल पे करूं या गुड पे, तो ये आप बेस्ट या बेटर सेलेक्ट कर लिए। तो अगर आपने ये सेटिंग करके आप कहते हैं कि ये नहीं सही सेटिंग जो इसकी अपनी थी, तो डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो। डिफॉल्ट का मतलब होता है पहले से की हुई सेटिंग, ऑटोमेटिक जो सेटिंग। ओके, तो अब जो है ना, पहले थी 1080 पिक्सल, तो ये 24 MB की थी, अब हमने रेजोल्यूशन कम की है, साइज भी कम हो गया। हमने कहा AKH1 इस फोल्डर में सेव कर दे और उसका फॉर्मेट ये हो, ठीक। तो एक्सपोर्ट, तो ये जो है ना, ये एक्सपोर्ट हो रही है। वो कहता है इतने टाइम में होगी, इतने परसेंट होगी या इतने परसेंट होगी, या अगर बड़ी होगी थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी, उससे बड़ी होगी टाइम ज्यादा। वो कहता है कि इसमें जो है ना, साउंड रिमाइंडर के साथ जो इसका साउंड है उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी करना। वो कहता है 100% हो गई है, जिधर हुई है उस फोल्डर में जाना है या इसको क्लोज कर दो। हमने कहा उस फोल्डर में चला, तो जो हमारा हमने फोल्डर बनाया था माईवर्क्स का, उधर चला जाएगा। तो ये हमारी वीडियो जिसके ऊपर ये वाला आइकन होता है, ये रिक्टेंगल्स बने होते हैं इधर भी जिनको हम बारियां कहते हैं, तो ये वीडियो होती है, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये प्लेयर में, प्लेयर में मेरी वीडियो चलनी शुरू हो। ये हमारे पास वीडियो है जो कि हमने बना के उसको एक्सपोर्ट किया, रेंडर। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो साथ साथ रेंडर भी करता जाता है। अब ये देखें कि हमने ये वीडियो बनाई, हम कहते हैं कि ये वो टाइम तक एक जो है ना वो पिक्चर जो है ना, एक ऑब्जेक्ट
पांच सेकंड काफी देर तक रहता है, इसको कम करना। तो आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इधर से पकड़ के इसको टाइम कम कर दें। ये पिक्चर नहीं कटी, टाइम कम हुआ। अब ये देखें कि इसको मैं इधर रखता हूं तो ये हो गई है एक सेकंड, एक सेकंड पॉइंट वन सेवन, एक सेकंड और 17 मिली सेकेंड, एक सेकंड की हो गई। इसको भी मैं कहता हूं कि इतना कर दे, इसको भी छोटा कर दे, इसको भी और इसको, इसको मैं स्टॉप करता हूं और इसको यप। और टाइम कम कर। अब ये देखें कि इसका व्यू भी थोड़ा हो गया, छोटा छोटा नजर आ, ठीक है। मैं कहता हूं कि टाइम इतना ही रहे लेकिन व्यू थोड़ा सा बड़ा मुझे नजर आए, तो इसको इसके पास रख और इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो बार ये स्क्रोल बार को पीछे कर। ये टाइम इनका ज्यादा नहीं हुआ, ये देखें जिस पे ये होगा वो हिस्सा ज्यादा बड़ा, ये व्यू बड़ा होता जाता है जितना मर्जी बड़ा कर, इतना बड़ा हो गया कि एक चार चार दफा नजर आ रहा। स्टॉप करके इस पे मैं प्ले करूंगा तो टाइम उतना ही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको फिर पकड़ के इसका व्यू आप छोटा कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका व्यू जो है ना वो स्क्रीन जितनी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है इतना हो जाए तो ये इसका आइकन पड़ा होता, जूम टू फिट टाइमलाइन, कंट्रोल शिफ्ट जी जो है ना इसकी की होती कि आपने इसका व्यू छोटा किया हुआ तो शिफ्ट जी करेंगे तो इसका व्यू मैक्सिमाइज हो जाए। टाइमलाइन बार पे वो फिट हो जाए जितनी टाइमलाइन है, तो व्यू को आप ये व्यू छोटा बड़ा करने का फायदा ये होता है कि बाद का तो आपकी वीडियो जो है ना वो 50 मिनट की है, 1 घंटे की है, तो वो ये बाहर निकल गई होती है। ऐसे बाहर निकल गई होती तो आप इसको फिट करेंगे तो वो सारी इधर नजर आए, चाहे जितनी मर्जी इसे छोटी 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 करनी पड़े या ऑब्जेक्ट आपके छोटे करने पड़े वो इसको फिट इसमें करते, तो आप अपनी मर्जी से भी आप चाहते हैं कि ये वाला एरिया तो जूम करके देख तो उसके ऊपर ये बार रख के तो इसको ऐसे करेंगे तो ये आपके सामने रहेगा जूम होकर। इधर तक बात क्लियर होगी। अब ये देखें कि हमने टाइम इसका काफी कम कर दिया, जब एक अब हम चाहते हैं कि
इसके नीचे कोई, इसके साथ कोई सॉन्ग भी चले, तो जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, इसको फिल्मोरा को, तो इसके साथ कुछ साउंड सैंपल वो इंस्टॉल करते हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल हम नहीं करते, इंस्टॉल होते हैं क्योंकि उसके अंदर होते हैं। ये देखो सैंपल वीडियो, सैंपल कलर, ये सैंपल वीडियो, किसी भी वीडियो को चला के देखना हो, डबल क्लिक करेंगे तो वो इधर चलनी शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी है, 8-8 सेकंड की, 5 सेकंड की, 12 सेकंड की, तो ये वीडियो है, ये कुछ बैकग्राउंड सैंपल कलर। इसी तरह से जे ये देखो, ये हमारे पास मीडिया की चीजें, ये देखो ऑडियो, नजर आ रहा ना, हम इधर जाते हैं ऑडियो में, तो ये हमारे पास कुछ सैंपल पड़े 124 सैंपल्स, उनमें से अगर आप देखें इसको, ये एरो पे क्लिक करेंगे, 28 यो हैं वो, उनकी कैटेगरीज के नाम उन्होंने रखे हुए हैं, ये रॉक किस्म के हैं 17, ये फोक 17, ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्टाइल के थरथली मचा देने वाले साउंड इफेक्ट। अगर आपने अपनी कुछ फाइलें रखी हैं तो इस फोल्डर में रख लें, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट जो थोड़े से जैसे मोबाइल में टोन्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें उन्होंने 124 आपको दिए साउंड, कुछ 1 मिनट के हैं, कुछ 2 मिनट के हैं, कुछ आधे 60 सेकंड, 30 सेकंड के हैं। तो इसको डबल क्लिक करके आप चला के देख सकते हो, आवाज आ रही है जी? सारा आ जाए, ठीक है। ये है, अब ये देखो कि आपको ये सारे हमारे पास, ये स्टॉप कर, ये हमारे पास सारे साउंड है, मैं कहता हूं ये साउंड जो है ना, ये जो है बैक होम वाला, इसको मैंने इधर लगा, तो इसको ऐसे उठाएं और इधर रख दो, तो ये काफी बड़ा है, इस पे क्लिक करें तो ये आपकी स्क्रीन में फिट हो जाए, तो इसको पकड़ के छोटा कर, तो इसको स्क्रीन पे फिट कर, सेव मैंने किया प्रोजेक्ट, ठीक हो गया। अब इसको चला, ये
इधर तक बात क्लियर हो गई सर? ये जिस तरह फोटो है उसी तरह हम साउंड को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि हर फोटो के लिए अलग साउंड? हाँ कर सकते हैं। ये देखो इधर ही देख लेते, पहले तो देखो ना कि ये जो हमने साउंड डाला तो उसका ग्राफ आ गया, ठीक है ना। ये ऐसी शक्ल जो होती है वो साउंड होती है, ऐसी शक्ल जो होती है वो पिक्चर या वीडियो होती है। ये साउंड है तो ऐसे चलता है इधर से। अगर आपने इसका वॉल्यूम कम करना है तो इसको इस लाइन से पकड़ के नीचे कर दो तो इसका साउंड स्लो हो जाए। अगर तेज करना है तो पकड़ के एंड तक कर दो, बहुत तेज हो जाए। इसको लाइन से पकड़ के तो कम भी कर सकते हो। अब इसको आप इसको सिलेक्ट करें और इसको ये सिर्फ पहली दो पिक्चर पे चलेगा, ठीक है। आगे दूसरा रख ले। ये देखेंगे इस पे मैंने डबल क्लिक किया, ये लोड हो रहा है। ये इसके जिसके ऊपर ये एरो होगा ना उसका मतलब होगा कि ये लोड नहीं हुआ हुआ, इंटरनेट इसके लिए होना जरूरी है। तो ये देखो इन पे नहीं है, पहले कुछ सैंपल है उन पे नहीं है, उस पे डबल क्लिक करेंगे। इसको पकड़ के हम इधर रख लेते हैं और इसको पूरी स्क्रीन पे करके तो इसको छोटा कर लो अपनी पिक्चर, तो फिर स्क्रीन फिट कर लो। ये देखो एक ये सॉन्ग, अब इसको चला दो। ठीक, इधर तक बात क्लियर है सर जी? काइंडली ऑडियो वाले रिपीट करवा दे। अच्छा, ये देखो कि जोन सी ऑडियो नहीं चाहिए, उस पर क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो जाएगी। डिलीट करोगे तो ये बीच में से निकल जाएगी, क्योंकि हमने दो रखी थी। इसको शुरू में कर दो तो इसको भी डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। ये देखो ये ऑडियो ट्रैक है, ये ऑडियो। अब मैं ये ऑडियो है ना इसके ऊपर लेके आऊंगा तो वो खुद ही नीचे जाता है ऑडियो ट्रैक में। ये जो ऑडियो है इनको डबल क्लिक करके सुन लो, जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है। अब ये आए किधर से? ऊपर हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू टैब्स हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के, उसमें है ऑडियो। सिलेक्ट कौन सा होगा? मीडिया, जिसमें आपने अपनी चीजें रखी होगी। उसके बाद साथ है ऑडियो। जो ही ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है 124 ऑडियो है आपके पास, ये सारी जो उनसी आपको चाहिए आप इसमें से यूज कर सकते। ये देखो कि कुछ ऑडियोज हैं वो लोडेड है, ये भी है। कुछ जो है ना वो देखो उस पे ये एरो होगा, इसका मतलब है पहले ये डाउनलोड होगा तो फिर चलेगा। इस पे डबल क्लिक करता हूँ, ये लोड हो रहा है इंटरनेट से, फिल्मोरा की साइट से। सारे एक ही दफा लोड कर लिया करें, फिर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास है साउंड। मैं कहता हूं मैंने ये वाला लिया, इसको स्टॉप कर दे और इसको उठा के इसके नीचे ला।
लेकिन साउंड काफी बड़ा है, इसको इधर से आप छोटा कर सकते, उधर से कर ले, इधर से कर। आसान तरीका इसको फिट करके, तो इसको पता चल जाएगा इतना करना है तो इधर तक। तो ये जितनी हमारे पास इमेज है इसको चला दो, स्टॉप करके चला दो ताकि स्टार्ट से चले। तो अगर साउंड स्लो करना है तो इसको पकड़ के नीचे कर दो, अगर तेज करना है इसको पकड़ के ऊपर कर दो। ये देखो कि मैं चाहता हूं कि जब साउंड खत्म होने लगे, जब वीडियो हमारी खत्म होने लगे, तो जो इसकी बैक पे साउंड, इसके साथ साउंड चल रहा है, तो वो जब खत्म होने लगे तो उसकी आवाज स्लो होती है। ठीक है, तो उसको ये इधर से जब खत्म होने लगे, यानी कि इसको बोलते हैं फेड आउट, जब आउट हो तो ये देखो, ये जो है आपका, इस पे जाओगे, इसके ऊपर जाओगे ना, ये वाइट कलर का आपके पास एक पॉइंटर आ जाता, मार्क आ जाता, मार्क। इस मार्क को पकड़ के ये लाइन से पकड़ा गया, लाइन से पकड़ोगे तो ये शेप चेंज हुई माउस की, तो इससे आप इसको कम ज्यादा कर सकते। अगर ये वाले वाइट डॉट से पकड़ के करोगे तो ये लाइन बन रही है ना, ये नजर आ रही, इसका मतलब है इधर से आके फेड आउट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्लो होना शुरू हो जाएगा और खत्म होते होते बिल्कुल स्लो हो जाएगा। फेड इन फेड आउट आप इसमें कर सकते हैं। स्टॉप करके हम इसको चलाते हैं। क्लियर होगी बात के नहीं? अब कोई, अब इसको आपने फॉर एग्जांपल इसको कह दे कि इसे एक्सपोर्ट कर दे माय वर्क में टू के नाम से, 1080 पे ही रहने दे, एक्सपोर्ट कर दे। वो कहता है कि ये एक्सपोर्ट हो गई और फाइंड टारगेट, ये मेरी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। सारे बच्चे क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं, कट्ठे रल के ना कर ले एक एक, तो आप जो है वो क्वेश्चन बता दो। आपने जो है ना इसी तरह की 10 पिक्चर लेनी है, चाहे अपनी ले लें, चाहे फ्लावर्स की ले लें, चाहे इसी तरह गाड़ियों की ले लें, तो आपने जितना काम आज किया है वो करना है, फिर उसी को लेके आगे चलते जाएंगे। ठीक है, वो उधर बेटा आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरे पास होती है। वैसे ग्रुप बन गया आपका व्हाट्सएप पे, वो मेरा हले बन गया, मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए नहीं, वो हमारे इधर ऑफिस वालों ने आपका ग्रुप बनाया बनाया होगा मेरा ख्याल है, उसमें आपको भेज दिया करेंगे। अफवत का है, बाकी का सर कुछ पता नहीं। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अफवत का है ना, तो वो अखुवत में हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया करेंगे, और ये जो जैसे ये फाइल है, किस कुछ हमने शॉर्टकट कीज लिख ली कुछ, ये तो ये फाइल भी भेज दूंगा। और दो वीडियो हो गई है ना, तो वो दो वीडियो भी आपको भेज देंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने
जो है ना वो 10 पिक्चर्स लेनी है फ्लावर्स के ऊपर, आपने कोई फ्लावर की ले ले, कोई मॉस्क की ले ले, कोई ऐसे गाड़ी गाड़ियों की ले ले, कोई सॉफ्टवेयर कनेक्ट भेज दे ताकि हम डाउनलोड कर दें। क्या चीज सॉफ्टवेयर? हाँ सॉफ्टवेयर वो मैंने जो है ना वो नीचे जाके ऑफिस में उनको कहता हूँ ना कि वो गूगल ड्राइव पे ही आ सकता है, और तो थोड़ा साइज बड़ा नहीं आ सकता, तो वो गूगल ड्राइव पे ट्राई करते हैं आपको दे के, तो लिंक देंगे आप उससे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप चाहे ऑफिस में भी एक मैसेज कर देना कि उनको भी याद रहेगा, वैसे मैं नीचे जाके उनको कह देता हूँ। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन है तो बताओ बेटा। ये आपकी 3 दिन हुआ करेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे का कोई, आप लोग कह रहे थे कोई प्रॉब्लम है कि सैटरडे को हमें छुट्टी होती, उसको भी देख लेंगे कि अगर पॉसिबिलिटी हुई हमारी कोई क्लासें बिजी ना हुई, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर कोई स्लॉट खाली होगी तो फिर इसको कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ले जाए, तो अगर ना हुई तो फिर देख लेंगे ये अपना थर्सडे फ्राइडे 2 दिन की थोड़ी क्लास बड़ी कर लिया है, जिस तरह से भी हुआ इंशाल्लाह कल आपको जो है ना वो इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और सर कल की क्लास होगी? जी कल की क्लास होगी, आप कन्वीनियंट है ना आ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो जी, ठीक है इंशाल्लाह कल भी मैं 5 मिनट कम पे जो है ना 3 बजे ऑनलाइन हो जाऊंगा, तो आप आ जाना, ठीक हो। ठीक है सर, इसके लिए लिंक भी और रिकॉर्डिंग भी ये व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत का बना है, वहां पे शेयर कर दे, वो बहुत बढ़िया इसी वजह आप सकते। हां चले ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह इधर ही कर देंगे, कोशिश कर देंगे। सर वो अटल मोहसिन के साथ शेयर कर लिया करो, फिर वो बाद में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करवा दें। चलो ठीक है, वो बेसिकली ग्रुप में हो जाए तो बेहतर होता है ना, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप 34 कल जो है ना ऑनलाइन, तो उसमें 28 मुस्तकिल मजाजी से बैठे रहे थे, कुछ चले गए थे, तो वो 28 को अलग अलग से भेजना मुश्किल होता है। जी वो ग्रुप में अफुवत के ग्रुप में कर, हाँ अफुवत के ग्रुप में कर दें वो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, थैंक यू सर, ओके वेलकम, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।